भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता डॉक्टर महेंद्र सिंह सैनी के सहारनपुर भाजपा जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आभार व्यक्त किया। पूर्व नगर अध्यक्ष संजय सैनी ने कार्यालय गंगो पर भाजपाइयों ने डॉक्टर महेंद्र सिंह सैनी को जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कर खुशी जाहिर की। वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष मुकेश राणा, रविंदर सैनी, शिवलाल, विनोद कुमार आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुरादाबाद के थाना मुंडे पांडा क्षेत्र के चमरोआ रेलवे फाटक पर खड़ी ट्रेन के नीचे से गुजरना एक युवक को भारी पड़ गया। आपको बता दें कि अचानक ट्रेन चल पड़ी और मजदूर हीरालाल ट्रेन की चपेट में आ गया और इस हादसे में मजदूर के दोनों पैर कट गए। घायल हालत में मजदूर को पुलिस ने जिला अस्पताल में भेजा। बोले मैं अपनी खाट पर जा रही हूँ, तुम सो जाओ। तो हम भी सो गए, वो भी सो गए। अब उसके बाद पता नहीं, मैंने उठ कर देखा तो खाट पर नहीं थे, कहाँ पर थे? उधर सो रहे थे। यहाँ से कब आए? ये पता नहीं रात में किस टाइम उठ गए थे यहाँ से। क्या कह रहे, खाट पर सो रहे हैं? क्या कोई मन मुटाव था आप लोगों के बीच में या क्या बात थी? जो नहीं, अब तो कोई लड़ाई नहीं थी हमारी। क्या कोई आशंका ऐसी है कि किसी के द्वारा ये करा गया हो, धक्का वगैरह? या ये हमें पता नहीं, हम से तो नौकर ही सो जा था, हम सो गए। तो किससे में रात ही हादसा हुआ है? रात 8 बजे के टाइम कह रहे हमसे सो जाओ, और पता नहीं चला किस समय। फिर ये पता नहीं चला किस समय चलेगा उठ के। मैंने रात में देखा तो खाट पर नहीं थे वो। आपको कैसे मालूम था बुलाया? सुबह फोन आया था। फोन आया था ये हमारे फोन थे ना, तो घर ही रख देते। अब कहाँ पर है? अब तो अस्पताल में आया। तो पुलिस आई थी यहाँ पर मौके पर? ना, नहीं आई पुलिस। ना आई। क्या चाहती हो आप? अब क्या चाहते हो आप? उनके परिवार में है? नहीं, कोई नहीं। सरकार से कोई मदद चाहती हो? दोनों पैर कट चुके हैं आपके पति के। हाँ। जो जानकारी में हॉस्पिटल से आ रहा, डॉक्टरों का कहना है कि उनके दोनों पैर कट चुके हैं और वो विकलांग, मतलब चल फिर नहीं सकते। तो सरकार से कोई उम्मीद है आपकी? हाँ, मैं तो चाहती हूँ। कोई कमाने वाले नहीं मेरे बच्चे छोटे छोटे। मकराना में हुए निकाय चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत के साथ वोट बनाया। इसके बाद शहर के मुख्य स्थानों से लेकर कांग्रेस का विजय जुलूस निकला, जिसके कुछ दिन बाद बीजेपी से पार्षद मकराना की बदहालत स्थिति को लेकर बीजेपी पार्षद ईश्वरलाल ने तंज कसते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कांग्रेस भ्रष्टाचार और परिवारवाद की राजनीति करती है। वहीं आपको बता दें कि मकराना की बिगड़ी हुई दुर्दशा को ठीक करने की बजाय अपने ही लोगों के विकास में जुटी है कांग्रेस। बताइए सर, मकराना में कांग्रेस ने अभी अभी निकाय चुनाव जीतकर अपना खुद का वोट चुना है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मकराना निकाय में जब से मकराना निकाय में चुनाव हो रहे हैं आज तक कांग्रेस का ही बोल रहा है, लेकिन विकास के नाम से आज मकराना बदहाल के कगार पे हैं। यहाँ कहीं कहीं इतने गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई है, सीवरेज की निकासी सही नहीं है, कहीं सीवरेज की हालत खस्ता है। खैर, ये अपने जीत के जश्न में डूबे हैं, पहले इनको जनता की समस्याएं दूर करके फिर जश्न मनाना चाहिए। जैसे कि ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस परिवारवाद, वंशवाद को लेके आगे चलती है, और ऐसा ही मकराना में देखने को मिला, क्या कहेंगे आप? इसमें कांग्रेस की पृष्ठभूमि वंशवाद की रही है। हमारे मकराना में भी काफ़ी समय से वंशवाद की राजनीति कांग्रेस में चलती आई है। अभी अभी जो चुनाव हुए हैं देखो, इसमें सभापति और उपसभापति एक ही परिवार के बने हैं, तो ये वंशवाद ही है। दूसरे को मौका यहाँ बहुत कम मिलता है, वंशवाद की राजनीति आ रही है। खबरों में हम बात करते हैं देवास जिले के ग्राम कंडारा खेड़ी प्राथमिक विद्यालय की, जहां शिक्षक स्कूल टाइम पर गहरी नींद में सोए हुए हैं और दो अन्य शिक्षक छुट्टी पर हैं। वहीं पत्रकारों ने जब शिक्षक को नींद से जगाया तो वे उन पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। छात्रों का कहना है कि हमारे शिक्षक ऐसे ही कभी कभार स्कूल में सो जाया करते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि वरिष्ठ अधिकारी ऐसे शिक्षकों पर क्या कार्यवाही करेंगे। नाम है आपका? स्कूल का नाम बताओ? शैक्षिक प्राथमिक विद्यालय कंडारा। आपके शिक्षक रोज ऐसे सोते रहते हैं क्या? नहीं, कोई दिन सोते हैं। किसी दिन कभी कभी सो जाते हैं? आज सो रहे थे क्या?
सो रहे थे इसलिए आप बाहर खेल रहे हैं हाँ। है ना? क्या नाम है आपके सर का? अच्छा, स्कूल का नाम कंडारा खेड़ी है ना? और आपके शिक्षक कितने टाइम से सो रहे हैं? कितना समय हो गया? 2 घंटे? 1 घंटे? 1 घंटा। मेरठ में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक महिला डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का रेप के बाद जिंदा जला दिया गया था। इस मामले ने पूरे देश में जोर पकड़ दिया है, जिसके चलते आज मेरठ की कमिश्नरी चौराहे पर छात्रों ने आरोपी बलात्कारी का पुतला फूंका और फांसी की मांग की। मेरा नाम प्रभात शुक्ला, मैं एनएस कॉलेज का छात्र हूँ जी। हाँ जी जी, ये हमने हमारे देश में जिस प्रकार रेप की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि जिस प्रकार इस देश में रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसके विरुद्ध कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे ये रेप की घटनाएं दोबारा ना हों। हमारा सभी छात्रों का ये कहना है कि कृपया सरकार कुछ ऐसा न्याय ले, इन्हें रेपिस्टों को तुरंत फांसी की सजा सुनाए, जिससे इस रेप की घटना का होना बिल्कुल कम हो जाए। हाँ जी, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी, अभी बीते कुछ दिन पहले डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का रेप हुआ है। हम ये चाहते हैं उसका उन्हें रेप करके बिल्कुल दर्दनाक तरीके से वो करा गया है। हम चाहते हैं कि इसके विरुद्ध कुछ ऐसा कदम उठाया जाए, रेपिस्टों के विरुद्ध कुछ ऐसा कदम उठाया जाए जिससे कि ये रेप की घटनाएं दोबारा इस देश में हो ही ना। नलखेड़ा के पीरवास जोड़ पर हुआ एक्सीडेंट, दो बाइक आपस में भिड़ गई, वहीं एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया। महुआ के थाना पनवाड़ी क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की, जिसमें हेमंत तिवारी के यहां से 34 पेटी मध्य प्रदेश मार्ग का शराब रखी पाई गई। पकड़ी हुई है, इसके बारे में आप हमें जानकारी दे दें। हम अपनी टीम के साथ दबिश पे थे, मुखबिर से सूचना मिली कि एक दलौरा गांव है, उसमें हेमंत तिवारी के मकान में कुछ शराब रखी गई है। उसकी सूचना पर विश्वास करते हुए हम टीम के साथ वहां पहुंचे, देखा कि एक दूसरे के कमरे में जहाँ गाय भैंस वगैरह बांधी गई थी जी, उसमें उन्होंने कुछ पेटियाँ रखी गई थी, तो वहाँ देखा तो काफ़ी मात्रा में शराब बरामद हुई। सर कितने मिली है? सर लगभग 35 पेटी शराब है जी, और एक पेटी में 48 क्वार्टर, तो कुल मिला के लगभग 1647 क्वार्टर बरामद किए गए। अभियुक्त मौके पर नहीं मिल सका, वो भाग चुके। अभियुक्त मिला नहीं? मिला सर नहीं, वो मौके से फरार हो गया था। ललितपुर में यातायात माह के समापन दिवस पर एसपी ने कहा कि हमारे उद्देश्य नागरिकों को परेशान करना या उनके चलान करना और समन शुल्क वसूल करना नहीं, बल्कि यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है। यदि व्यक्ति यातायात नियमों का नियम से पालन करेगा तो निश्चित ही सड़क दुर्घटना और दुर्घटना में होने वाली मौत पर लगाम लगाई जा सके। सर आ जाता सर, जो माहवार यातायात माह मनाया गया, कितना आप लोगों ने काम किया है, कितने जो अपराध पंजीकृत किए और कितना शुल्क वसूला? आज यातायात माह जो 1 नवंबर से लेके आज 30 नवंबर को समापन हो रहा है, पूरे 30 दिन का ये हमारा यातायात माह का समापन हो रहा है। इसमें विभिन्न स्तरों पे, स्थान पे, जगहों पे जागरूकता और साथ ही साथ जो नहीं पालन कर रहे हैं उनके वो शमन का भी कार्य किया गया, और इसमें जो कार्य किए गए उसमें स्कूलों में बच्चों को जाके एजुकेट किया गया, रैलियाँ निकाली गई, इसके अलावा पैम्फलेट और पोस्टर्स के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया, लोगों को अवेयर किया गया, उनके अंदर संवेदनशीलता बढ़ाई गई, और ये प्रयास किया गया कि सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें, स्वयं सुरक्षित चलें और अन्य लोग जो सड़क पर चल रहे हैं उनको भी सुरक्षा से चलने में मदद करें। इस पर काफ़ी सफलता भी हम लोगों को मिली है, हेलमेट पहनना लोगों ने शुरू कर दिया है, सीट बेल्ट लोग लगाने लगे हैं, कुछ लोग जो इतना बताने और समझाने के बाद भी नहीं मान रहे हैं, फिर उनके खिलाफ हम लोगों को समन शुल्क की कार्रवाई भी करनी पड़ी। पूरी यातायात माह यानी कि 30 दिन के अंदर 13 लाख रुपये का समन शुल्क किया गया, दर्जनों इसमें सैकड़ों चालान किए गए, लेकिन जो इसमें हमें परिणाम निकले हैं वो सकारात्मक हैं, जो स्थिति पहले सी थी उससे बहुत अच्छी हुई है, और ये प्रयास लगातार जागरूक हम लोग करते रहेंगे। जैसा आपने देखा कि हमने अपने साथ नेहरू महाविद्यालय के प्रचार जी के सौजन्य से, कैप्टन शर्मा साहब एनसीसी के जो हमारे हैं नेहरू महाविद्यालय के, उनके सौजन्य से हमने एक रैली भी निकाली,
बच्चों जो हमारे एनसीसी के हैं, स्काउट्स एंड गाइड्स हैं, उनके बच्चों के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया और ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ के लोग जागरूक हों, क्योंकि एक्सीडेंट्स में यहाँ पे संख्या काफ़ी कई बार होती है और जिसमें लोगों की जानें जाती हैं, परिवार दुखी होता है, एक व्यक्ति की जान जाने से पूरा परिवार प्रभावित होता है। तो इसमें सुधार बहुत हुआ है लेकिन अभी इसमें और काम करने की आवश्यकता है और इसमें हम अपने सभी पत्रकार बंधुओं का भी आभार व्यक्त करना चाहेंगे जिन्होंने यातायात जागरूकता में बहुत ज़्यादा सक्रिय योगदान किया है और भविष्य में ये कार्य ऐसे ही हम लोग करते रहेंगे ताकि हमारा ललितपुर सुरक्षित और एक स्वस्थ ललितपुर के रूप में स्थापित हो। बहुत रामपुर में यातायात माह के अंतर्गत जिले में स्कूल बच्चों के संग एसपी ने एक जागरूकता रैली निकाली। रैली को एसपी अजयपाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं लाउड स्पीकर लगाकर वाहनों से पुलिस ने जिले की सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। क्योंकि प्रदेश में माह नवम्बर को यातायात माह के रूप में ऑर्गेनाइज किया गया है और हमारा इसमें ये प्रयास रहता है कि हम जन जन तक यातायात के नियमों के संबंध में जागरूकता को पहुँचाएँ और इसके अलावा पुलिस के द्वारा जगह जगह पर चेकिंग करते हुए अवेयरनेस के साथ साथ जिनके द्वारा कानून के नियमों का उल्लंघन किया जाता है उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। 50 लाख से ज़्यादा जो शुल्क है, समन शुल्क है और जुर्माना है ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के संबंध में वो वसूला गया है। लगातार हमारी कार्यवाही जारी है। हमारा पूरी तरह से प्रयास है कि जनपद रामपुर की सड़कें जनता के लिए, चलने वालों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हों और इसमें हम जनता के सहयोग की बराबर उम्मीद करते हैं। रामपुर जिले के पेंडारी प्राथमिक विद्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने जनपद सिद्धार्थनगर के प्राथमिक विद्यालय पेंडारी का अचूक निरीक्षण किया जिसमें अध्यापक जितेंद्र कुमार को दोषी पाया गया। मंत्री ने रजिस्टर में दोषी करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी को आज का वेतन काटने और उसको विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। मैं क्षेत्र में निकला था, अभी उधर से आ रहा था, स्कूल का टाइम हो गया था तो मैं विद्यालय में गया था। 9 बजे का इस समय स्कूल है, शिक्षक को स्कूल में मौजूद होना चाहिए था लेकिन वहाँ पर केवल शिक्षा मित्र मिला अध्यापन कार्य करते हुए। जितेंद्र कुमार नाम का जो स्थायी शिक्षक है वो वहाँ पर नहीं दिखाई दिए। हमने स्वयं रजिस्टर में उनको अब्सेंट किया है और बेसिक शिक्षा अधिकारी को तुरंत निर्देश दिया है कि आज का वेतन भी काटें और बिना प्रार्थना पत्र दिए, बिना अवकाश लिए हुए विद्यालय से गायब रहने के लिए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी करें। लगातार शिकायतें नहीं बनी हैं, कहीं कहीं से शिकायतें आती हैं और जहां से शिकायतें आती हैं वहां मैं बहुत कठोर कार्रवाई करता हूं। आपने देखा है 2 दिन पहले सोनभद्र का एक प्रकरण संज्ञान में आया है और उसमें शिक्षा मित्र की सेवा समाप्त कर दी गई, उसके खिलाफ सरकार की छवि खराब करने के आरोप में FIR भी दर्ज हुआ। जिस शिक्षक को, पास के स्कूल के शिक्षक को उस दिन की जिम्मेदारी मिली थी क्योंकि कोई स्थायी शिक्षक वहां पर नहीं था, सब अवकाश पर थे, उनको भी निलंबित कर दिया गया और खंड शिक्षा अधिकारी ने एक ही साथ दोनों स्थायी शिक्षकों को अवकाश क्यों स्वीकृत कर दिया, इसके लिए खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ रिपोर्ट मंगाई गई है, वो भी निलंबित किए जाएंगे। हमारे संज्ञान में जहां कहीं भी ऐसी शिकायत आती है जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता के प्रति कोई लापरवाही हो, बच्चों के मध्याह्न भोजन के प्रति कोई लापरवाही हो, उसमें मैं कठोर कार्रवाई करता हूं क्योंकि हमारी सरकार बच्चों के प्रति किसी लापरवाही को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं।